हेलो फ्रेंड्स, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ नोड जेएस का सेकंड ट्यूटोरियल। आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको ES6 के टॉपिक कवर करूँगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं नोड जेएस के ट्यूटोरियल में आपको ES6 के टॉपिक क्यों कवर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर आप नोड जेएस करने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको ES6 बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे पूरा कंप्लीट ES6 नहीं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे वही इम्पोर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, मतलब नोट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आप नोड जेएस का इंटरव्यू देने जाते हैं तो ये समझ लीजिए आपको आधे क्वेश्चन ES6 के ही पूछे जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब मैं अपने वीडियो में आगे बढ़ता हूँ। तो मैंने यहाँ पे टॉपिक की लिस्ट बना ली है, तो ये आप देख सकते हैं। तो मैं ये टॉपिक कवर करूँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन से, ठीक है। बहुत टिपिकल टॉपिक नहीं है, हो सकता है आपको आते हो, ठीक है, बट जिनको नहीं आते हो उनके लिए ये एक जूस की तरह काम करेगा। मतलब नोड जेएस सीखने के लिए ये एक जूस है, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। देखिए, एक छोटा सा फंक्शन बनाते हैं और मैं यहाँ लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और मैं लिख देता हूँ वेलकम, लिख देता हूँ सिंपल, ठीक है। अब मैं इसको कॉल कर लेता हूँ, इसको मैंने सेव किया और इसको मैंने कॉल कर लिया। तो इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन कॉलिंग बोलते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही पुरानी चीज़ है, मतलब स्टार्टिंग में हम लोग यही किया करते थे, मैंने कोई नई चीज़ नहीं बताई है। बट यहाँ पे बस मैंने आपको ये बताया फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है। वैसे लोग पहले डेफिनेशन भी इसको बोलते हैं थे, वो भी बोल सकते हैं, बट इसको हम यहाँ पे हम लोग इसको बोलेंगे फंक्शन डिक्लेरेशन। इसके अलावा नेम्ड फंक्शन, इसको हम नेम्ड फंक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि इस फंक्शन का नाम है सो फंक्शन, इसलिए हम इसको नेम्ड फंक्शन भी बोल सकते हैं। मतलब जिस फंक्शन का कोई नाम होता है उसको हम नेम्ड फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, हम इसमें ना दो पैरामीटर पास करते हैं। मान लीजिए हमने करा 5.6 पास किया, और अब मैं उनको क्या करता हूँ, यहाँ पर रिसीव करता हूँ, मतलब थोड़ा सा कोड को बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल सा एडिंग ऑफ टू नंबर का कोड बना रहा हूँ, ठीक है। सो का नाम हटा के ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट सी ले लेता हूँ, सी इक्वल इक्वल ए प्लस बी, ठीक है। और यहाँ से मैं ऐसा करता हूँ, इसको ऐसा करता हूँ, कंसोल करता हूँ, पहले कंसोल डॉट लॉग करता हूं। देखिए 10 आ गया, ठीक है। तो यहां मैंने एक नेम्ड फंक्शन बनाया है और मैंने नेम्ड फंक्शन को कॉल किया है, ठीक है। अब देखिए, मैं यहां से क्या करता हूं, रिटर्न करता हूं, रिटर्न करूंगा तो क्या होगा, तो हमको यहाँ पे कंसोल करना पड़ेगा। अब चाहे आप इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर लीजिए या डायरेक्ट लिख लीजिए कंसोल, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। इसको मैंने ऐसे करा, मतलब ये भी कर सकते थे, इसको कॉल कर लेते, किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते, उसको कर लेते या डायरेक्ट कर लो, एक ही बात है ना। चलिए इसको भी रन करता हूँ, इसको स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। रन करने की कमांड होती है नोड और इंडेक्स डॉट जी एस आपकी फाइल का नाम है। ये देखिए आ गया आउटपुट, ठीक है।
अब ऐसा करते हैं इसको थोड़ा और अच्छा, हमने कौन कौन इम्प्रूव करते हैं, मतलब एनानमस फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, देखिए, और फंक्शन एक्सप्रेशन भी बताते हैं। पहले फंक्शन एक्सप्रेशन बताते हैं। देखिए, अगर मैंने यहाँ पे इस फंक्शन को किसी वेरिएबल में स्टोर कर लिया, मान लो मैं रिजल्ट कर देता हूँ ऐसे, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रिजल्ट करता हूँ, ठीक है, सेव किया, इसको रन करते हैं, 10 आ गया। अगर आप किसी फंक्शन को किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, इक्वल लगा लेते हैं, ठीक है, इक्वल लगा के स्टोर कर लिया, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं हम लोग, फंक्शन एक्सप्रेशन बोला जाता है, क्योंकि इक्वल लगाया हुआ है और आपने फंक्शन को वेरिएबल में स्टोर कर लिया, मतलब वेरिएबल का मतलब सेंस नहीं है, इक्वल का सेंस है यहाँ पे, ये एक्सप्रेशन बन गई, ठीक है, एक्सप्रेशन हम लोग इसको भी एक्सप्रेशन बोलते हैं, जैसे ये हो गया सी इक्वल टू ए प्लस बी, ये एक्सप्रेशन हो गई। तो यहाँ पे रिजल्ट इक्वल करके आपने फंक्शन को स्टोर कर लिया वेरिएबल में, तो ये फंक्शन एक्सप्रेशन कहलाता है। लेकिन ये इसे क्या बोलेंगे, फंक्शन एक्सप्रेशन विथ नेम्ड फंक्शन, ठीक है, तो ये वाला हमने बता दिया फंक्शन एक्सप्रेशन। अब बताता हूँ एनानमस फंक्शन, यहाँ से आप नाम हटा दीजिए और इसको सेव कर लीजिए, और देखो इसको रन करते हैं, फिर भी 10 आया, क्लियर स्क्रीन कर देते हैं एक बार, ठीक है, ऐसा करते हैं वैल्यू चेंज करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और डिफरेंट लगेगा, इसको रन करते हैं, नोड इंडेक्स डॉट जेएस 13, तो 5 और 8 का +13 आ गया। इसको क्या बोलेंगे, एनानमस फंक्शन, क्यों, क्योंकि इस फंक्शन का कोई नाम नहीं है, ठीक है, और जब फंक्शन का नाम रख देते हैं तो उसको क्या बोल देते हैं, नेम्ड फंक्शन बोल देते हैं, और जब इक्वल करके स्टोर कर लेते हैं तो उसको फंक्शन एक्सप्रेशन बोल दिया जाता है, ठीक है, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, हो सकता है आपको आती हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से ये सब आपको क्लियर होनी चाहिए, नोड अगर आप करने चाह रहे हैं। अच्छा, एरो फंक्शन इसको भी देख लेते हैं। अब मैंने क्या किया, इसको हटा दिया फंक्शन के नाम को, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, एरो लगा देता हूँ, इसको एरो फंक्शन बोलते हैं, ठीक है, ये देखिए, ये एरो फंक्शन हुआ। और अब हम करेंगे आई आई एफ ई फंक्शन, ठीक है, इसे फंक्शन लिख देता हूँ मैं, ये सब हटा देना, ठीक है, दो पैरेंथेसिस बनाना सबसे पहले, ठीक है, बना ली, पहली वाली पैरेंथेसिस में हम बनाएंगे फंक्शन की बॉडी, और दूसरी वाली पैरेंथेसिस में करेंगे कॉल, ठीक है, मैं नॉर्मल एक फंक्शन बना लेता हूँ जैसे बनाते हैं, मतलब ठीक है, ऐसे बना लेता हूँ फंक्शन, ये देखिए फंक्शन बनाया। अब मान लीजिए इसके अंदर आपको दो पैरामीटर पास करने हैं, मान लो 4.5 पास करने हैं, ठीक है, आप इसको यहाँ पर रिसीव कर लीजिए 1.b से, और यहाँ पे आप करिए लेट सी ले लेते हैं, सी इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है, और इसे कंसोल कर लीजिए, बस ये ध्यान रखिएगा हम लोग रिटर्न नहीं करते हैं यहाँ पे, इसको रन करते हैं 9, ठीक है, तो फंक्शन, तो फ्रेंड्स इसको बोलते हैं हम लोग आई आई एफ ई फंक्शन, इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं सेल्फ इनवोकिंग फंक्शन। फ्रेंड्स इंटरव्यू में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, आई आई एफ ई फंक्शन, ठीक है। अब हम लोग करते हैं कॉल बैक फंक्शन। देखिए कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, मैं फंक्शन बनाता हूँ, मैंने मान लो एक शो फंक्शन बनाया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इसमें लिख देता हूँ कोई मैसेज लिख देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग इसमें लिख देता हूँ वेलकम, एक फंक्शन और बना देता हूँ, इसमें लिख देता हूँ ये डिस्प्ले नाम का फंक्शन, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करूँगा, डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करूँगा, ठीक है, और डिस्प्ले फंक्शन के अंदर इस शो फंक्शन को पास करूँगा, इस शो फंक्शन को पास करूँगा, ठीक है, इस शो फंक्शन को पास करूँगा मैं यहाँ से
ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको रिसीव कर लेता हूँ, नाम में कुछ भी रख लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं कॉल कर लेता हूँ। नाम मैंने सो ही रख दिया है, कोई और नाम रख देते हैं, ठीक है, ए बी सी लिख देते हैं, ए बी सी लिख देते हैं, यहाँ ए बी सी कर लेते हैं, ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। स्क्रीन क्लियर कर देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखिए, मैंने फंक्शन को एज ए पैरामीटर पास किया है। वैसे नॉर्मली हम लोग क्या करते थे, किसी फंक्शन के अंदर पैरामीटर में वैल्यू पास किया करते थे, है ना, या ऑब्जेक्ट पास करते थे, बट यहाँ पे हमने क्या किया, फंक्शन पास किया है। जो फंक्शन पास किया ना शो, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलबैक फंक्शन बोलते हैं, और जो फंक्शन डिस्प्ले है उसको बोलेंगे हाई ऑर्डर फंक्शन। ये हाई ऑर्डर फंक्शन, हाई ऑर्डर फंक्शन का मतलब यह हुआ वो फंक्शन जो किसी फंक्शन को एज ए पैरामीटर रिसीव करता है, डिस्प्ले फंक्शन। फ्रेंड्स कंफ्यूज मत होना, कॉलबैक और हाई ऑर्डर देख सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन ऐसा है नहीं। मैंने क्या बोला, जो फंक्शन किसी फंक्शन को एज ए पैरामीटर रिसीव कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, हाई ऑर्डर फंक्शन बोलते हैं। डिस्प्ले क्या है, हाई ऑर्डर फंक्शन है, क्योंकि वो शो फंक्शन को एज ए पैरामीटर रिसीव कर रहा है, और शो जो है वो कॉलबैक है। जो फंक्शन पास हो रहा है उसे कॉलबैक बोला जाएगा, जो रिसीव कर रहा है फंक्शन को एज ए पैरामीटर उसे हाई ऑर्डर फंक्शन बोला जाएगा। ओके फ्रेंड, थोड़ा सा और इस कोड को थोड़ा इम्प्रूव कर लेते हैं, ठीक है, एक छोटा सा एडिंग का प्रोग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे ऐसा करता हूँ, मैं दो नंबर पास करता हूँ, नम वन कॉमा नम टू, थोड़ा सा इम्प्रूव करते हैं कोड को। यहाँ पे यहाँ पे करेंगे हम नम वन कॉमा नम टू में रिसीव करते हैं, यहाँ से तो हम वैल्यू पास करेंगे, ठीक है, वैल्यू पास कर लेते हैं, नॉर्मल वैल्यू पास कर लेते हैं, या वेरिएबल में रख के पास ना, चलो वेरिएबल में रख के करते हैं। थोड़ा सा और ऊपर कर जाता हूँ, फिर से करता हूँ, मैंने एक वेरिएबल ले लिया, लेट ए इक्वल टू ले लिया 4, लेट बी इक्वल टू कर लिया 8, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए, यहाँ लिखता हूँ बी, ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया है, एक ए वेरिएबल बनाया, एक बी वेरिएबल बनाया और एक फंक्शन बनाया। हमने ए को पास किया, बी को पास किया और सो को, मतलब समझ रहे हैं, डिस्प्ले एक फंक्शन है, हाई ऑर्डर फंक्शन है, क्यों, क्योंकि वो फंक्शन को एज ए पैरामीटर ले रहा है, इसलिए हाई ऑर्डर फंक्शन है, वरना नहीं होता, वरना नॉर्मल फंक्शन कहलाता। इसके अंदर हम लोग तीन पैरामीटर पास कर रहे हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी। ए और बी क्या है, वेरिएबल है जिनके अंदर वैल्यू पड़ी हुई है जो कि मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, और सो क्या है, एक फंक्शन है जो कि मैं यहाँ बनाया हुआ है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ करता हूँ लेट नम सी वाला एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, सी इक्वल टू नम वन प्लस नम टू कर लेते हैं, अब सी को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पास कर देता हूँ, ठीक है, और सी को यहाँ पे रिसीव कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको यहाँ प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं होगा, ठीक है, कुछ खास नहीं हुआ है, ये वैल्यू यहाँ से गई, यहाँ पे आई, मैंने यहाँ प्लस किया, इस फंक्शन में पास कर दिया, इस फंक्शन ने इसको प्रिंट कर दिया, तो सेव करते हैं, अब यहीं पे रन करेंगे ना, यस 12 आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। इसको और थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हो आप, ये भी कर सकते हो, इसको यहाँ से कट करो और सीधे यहाँ पे इसको पुट कर दो, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है, तो भी वही आउटपुट आया, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है, और इम्प्रूव करते हैं तो इसको भी हटाते हैं, है ना, नमस्कार देते हैं, ठीक है, ये देखिए तो भी वही आउटपुट आया, इसको और इम्प्रूव कर देते हैं,
इसको ऐसा करते हैं, एरो फंक्शन कर देते हैं, एरो फंक्शन कर देते हैं। ये देखिए, अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है तो रन करना ना मुझे। देखिए तो अभी वही आउटपुट आया। अभी आगे के वीडियो में आपको ये देखने को मिलेगा, हम बार बार इस तरीके की कोडिंग करेंगे। और फ्रेंड्स मैं आपको ये भी बता दूं, मैंने आपको क्या बताया था, नोड जेएस के अंदर एक ब्लॉकिंग होते हैं, एक नॉन ब्लॉकिंग कोड होते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन ब्लॉकिंग कोड। अभी मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा ये नॉन ब्लॉकिंग कोड हैं, ठीक है। और ये एक हाई ऑर्डर फंक्शन है, कहने का मतलब है ये समझ लीजिए आपको नोड जेएस के अंदर मतलब हाई ऑर्डर फंक्शन नॉर्मल फंक्शन दोनों मिलेंगे। तो ये एक एसिंक्रोनसली वर्क कर रहा है, मतलब इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन ब्लॉकिंग कोड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे करके, नॉन ब्लॉकिंग कोड। नॉन ब्लॉकिंग कोड इसको इसलिए बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे एक कॉलबैक चल रहा है इसके अंदर, और ये आपका चलेगा बैकग्राउंड में, ठीक है। इसे बोलते हैं नॉन ब्लॉकिंग कोड बोला जाता है, ठीक है। अगर ये यहाँ पर ऐसा नहीं होता, और मान लीजिए ये फंक्शन ही है और यहाँ पे होता कि कुछ मतलब कॉल बैक नहीं होता, ठीक है, नॉर्मल ये होता ही नहीं, सपोज इस टाइप का होता, तो ये क्या कहलाता, ब्लॉकिंग कोड कहलाता। कहने का मतलब है कि अगर किसी फंक्शन के अंदर आप देखें कि वहाँ पर इस तरीके से कॉल बैक बनाया हुआ है, तो उसको आप क्या समझिए, वो नॉन ब्लॉकिंग कोड है, उसको बोलते हैं हम लोग मतलब एसिंक्रोनसली वर्क करता है, और जो ब्लॉकिंग कोड होता है वो सिंक्रोनसली वर्क करता है। ये भी मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में, ठीक है। तो फ्रेंड्स यही था आज के वीडियो में, मैंने ये सारे टॉपिक बता दिए हैं। तो फ्रेंड्स बहुत आपको हो सकता लग रहा हो ये बड़ी बेसिक चीज़ मैंने आपको बताई है, लेकिन फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको आनी चाहिए। इंटरव्यू में यही इसी में से क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना, तो बंदे बता नहीं पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा इसे आप कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स आज के लिए मैं अपना टॉपिक यहीं तक रखता हूँ, और आपको अगर कुछ समझने में कहीं कुछ प्रॉब्लम हो कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको फॉरवर्ड करिए, ताकि बहुत ईजी वे में मैं नोट सिखा सकूँ सबको। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे लाइक करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और एक बेल आइकन होता है अगर उसे प्रेस कर देंगे तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो फिनिश करता हूं, धन्यवाद, बाय बाय।